press conference, the actor talks about the social issues prevalent across the country. So take a look at the video. मैं तो मुबारकबाद दूंगा हमारे दिल्ली के प्रोड्यूसर हैं और हमेशा मेरी एक ही कहना है कि जब इस इंडस्ट्री में नया प्रोड्यूसर आता है, हमारे जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, ऑनलाइन प्रोड्यूसर हैं, हमारे हिमांशु भाई ने बहुत साथ दिया है, लेकिन ऐसे न्यू कमर प्रोड्यूसर को हमें सबको हेल्प करना चाहिए। हर प्रोड्यूसर का कहना है कि जब हम नए नए आते हैं इस इंडस्ट्री में, हमसे थोड़ा बहुत धोखा भी हो जाता है, हमारा पैसा काफ़ी वेस्ट हो जाता है जिसका हमें नॉलेज नहीं है। तो मैंने बोला कभी कभी ये इसको बोलते हैं हमारे इंडस्ट्री में एडमिशन का थोड़ा सा देना पड़ता है, लेकिन ये हवाई जहाज चला जाए, लेकिन हमें नए प्रोड्यूसर को इस इंडस्ट्री में वी शुड हेल्प देम आउट, बी वेरी जेन्युइन टू देम। मेरी यही एक प्रार्थना है कि इंडस्ट्री के जितने टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूज़िक है, इन सबको न्यू प्रोड्यूसर्स को हेल्प करना चाहिए। एंड अक्सर हम देखते हैं कि जब प्रोड्यूसर पहली फिल्म बनाने आता है, कई बार बहुत नाराज़ होकर वापस चला जाता है कि मेरे साथ थोड़ा सा कुछ धोखा हुआ है। मैंने इनका कहा नहीं, अभी देखिए आपने एक पहली फिल्म बनाई थी उसमें शायद आपके साथ कुछ धोखा हुआ होगा, लेकिन आपने हिम्मत करके ये दूसरी फिल्म बनाई है जहाँ आपको चारों तरफ से प्रॉफिट मिल रहा है, आपकी मेहनत काम आ रही है। आपने बहुत छोटे बजट में फिल्म बनाई है, लेकिन अपने चाहत से फिल्म बनाई है, आपने इसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी की है, और जैसा कि इन्होंने बोला था कि मुझे जो भी प्रॉफिट होगा मैं एनजीओ में पूरा प्रॉफिट आई विल कॉन्ट्रीब्यूट। तो आज मुझे मालूम नहीं कितने ये चेक दे रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म को इनको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में से इन्होंने बोला था 10% देंगे, आज बोल रहे हैं नहीं मैं 20% एनजीओ को दूंगा, जो मेरी फिल्म का आज तक फ़ायदा हुआ है और अभी चली रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक नया प्रोड्यूसर है जो इस सोच के साथ इस इंडस्ट्री में आया है कि मैं उन लड़कियों की, उन औरतों की, गरीब औरतों की बहुत मदद करूंगा, उनका साथ दूंगा। और आज सब ये एनजीओ वाले फिल्म देख रहे हैं सनी थिएटर में, और मेरे हिसाब से पिक्चर देखने के बाद विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग गिविंग लॉट ऑफ मनी टू पीपल हु आर वेरी नीडी। तो आप भी कुछ बताइए सर। मेरा मेन मकसद ये जो पिक्चर बनाने का था, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियां हैं या परिवार हैं जो पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको जो है साधन नहीं होते, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं सबसे आगे बढ़ के आऊं, और जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कोई भी परिवार हिंदुस्तान में कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से मेरे को पता लगे कि भाई ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, एनजीओ को तो मैं दे ही रहा हूँ, बाकी मैं पर्सनल जाके भी वहाँ खड़ा होकर उनकी मदद करूँगा, सिर्फ मेरे को पता लगना चाहिए बस। ये बहुत बड़ी बात है सर, आज की सोच एक नए प्रोड्यूसर की फर्स्ट टाइम सक्सेस भी देख रहे हैं और इनको अच्छा भी लग रहा है कि कुछ जेन्युइन लोग मिले हैं। और मैं आज सब काम धाम छोड़ के इसलिए इनके साथ हूँ क्योंकि एक कॉज है, एक रीज़न है, और उस रीज़न के लिए ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद ये काम देखकर और भी प्रोड्यूसर, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है इसी में हमारे चेक जा रहे हैं, तो मैं वही बोल रहा था कि ये चीज़ देख के शायद और भी प्रोड्यूसर इस चीज़ में बोलेंगे कि हम भी अपनी फिल्म का कुछ प्रॉफिट एक ज़रूरतमंद लोगों को देंगे। आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग थाट। और जैसे कि फिल्म का नाम जो अभी हमने लिया नहीं, जर्नी ऑफ कर्मा, एक बड़े ही छोटे वक्त में बनी, बड़ी ही कम शूटिंग के दिनों में बनी, एक बजट में बनी, और इन लोगों ने, हमारे प्रोड्यूसर ने और सब लोगों ने, यूनिट वालों ने फ्राइडे सैटरडे में ही पूरी पिक्चर का कवर कर लिया। हालांकि ये बहुत बड़ी फिल्म नहीं है कि 150 करोड़ का धंधा करे या 100 करोड़ का बिजनेस करे, लेकिन अगर ऐसे ही अच्छी फिल्में बनती रहेंगी तो वो दिन भी दूर नहीं। तो ये जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, मेरी बेटी की फिल्म स्त्री आई, वो भी 10-12 करोड़ में बनी थी, वो 150 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर गई। ऐसे इनकी फिल्म बहुत कम बजट में बनी है और ये ऑलरेडी अपना बजट जितना खर्चा किया था रिकवर करके उसके ऊपर जो कमा रहे हैं उसमें से ये 20% ज़रूरतमंद लोगों को दे रहे हैं। बहुत बड़ी थॉट है, अभी ओवरसीज़ है, या हर जगह ओवरसीज़ की भी बहुत डिमांड है, आई थिंक ओवरसीज़ भी इनके अच्छी प्राइस में बिकेगी। टेलीविजन है, म्यूजिक है, आई थिंक लॉट ऑफ चैनल्स आर स्टिल ओपन फॉर हिम एंड आई थिंक इज गोना मेक गुड मनी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। और इनका कहना है कि मैं अगली फिल्म बहुत अच्छी बनाने वाला हूँ, ऐसी फिल्म बनाऊँगा जिसमें
एक सबक होगा, एक मैसेज होगा, एंड आई वॉन्ट टू मेक अ वेरी पॉजिटिव फिल्म। लोगों को कुछ लगा कि इस फिल्म के अंदर कुछ सेक्स होगा, ये होगा, लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है उन लोगों का कहना है कि इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट फॉर द लेडीज, वुमेन्स को ऊपर बढ़ाने का ये सब्जेक्ट है। हाँ, वो टीज़र में कुछ ऐसा लगा कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन फिर लोगों ने फिल्म देखने लगे तो दोबारा देखने लगे कि फिल्म के अंदर मैसेज भी है और अच्छी फिल्म है। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे आप सर? सर मैं ये कह इनका बेटा भी डेब्यू किया इस फिल्म में, एक बड़ा बेहतरीन गाना किया है। ये अपने बेटे को टेस्ट कर रहे थे, ये नहीं कि इनका बेटा है इसलिए मैं उनके लिए फिल्म बनाऊँ। बेटे को बोले देख एक गाना ही दूंगा इस फिल्म के अंदर, अगर वो गाना लोगों को अच्छा लगा और तुमने और मेहनत की तो मैं तुम्हारे साथ फिल्म अगली बनाऊंगा बड़ी स्टार कास्ट के साथ। तो उनका गाना बहुत हिट हो गया है, बेटे का डांस भी अप्रिशिएट हुआ है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ एक पिता को कि उन्होंने ये नहीं कि अंधाधुन सिर्फ बेटे पे खर्चा करके फिल्म बनाई, उनको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी एक गाना दिया है और गाना चल गया। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। हमारी भी औलाद, हम सब चाहते हैं कि औलाद आगे बढ़े, वैसे एक पिता भी चाहता है कि उनकी औलाद आगे बढ़े। तो मेरी हार्दिक और एक शुभकामनाएँ हैं इनके और इनके परिवार के लिए कि आप अच्छे नियत से आए हैं। जैसा मेरा कहना है कि भगवत गीता कहती है कि नियत तेरी साफ हो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो तो घर में ही मथुरा काशी है, घर में ही मथुरा काशी है, वो इनका कहना है। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के अंदर जो सबसे बड़ा बड़े भाई की तरह मेरी जो मदद या जो मेरे को हौसला जो दिया है वो शक्ति कपूर जी ने दिया है सर, और मैं जो है इन्हीं के मतलब आशीर्वाद लगा लो मेरे से बड़े हैं तो बहुत साथ दिया और इनकी मदद की वजह से ये फिल्म मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। जो तो हाँ। आने वाली मेरी बहन बेटियाँ या जिनके लिए मैं इतना हौसला मेरे को आया है, इतनी मेरे को प्रॉफिट आया है, लगभग आज 5 करोड़ के आसपास इसकी कलेक्शन हो चुकी है जो कि बहुत छोटे बजट की फिल्म थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान ने अगर ये मेरे को दिया है तो हो सकता है वो मेरी बहन बेटियाँ जिनके लिए मैं कुछ सोच रहा था करने के लिए, शायद इसीलिए ये फिल्म जो है हिट हुई है, बहुत सुपर डुपर हिट है मेरे हिसाब से। हाँ, इनके हिसाब से इसलिए भी हिट है, 5 करोड़ आज है टोटल समाप्त, ओवरसीज वगैरह होने के बाद एक अच्छी अमाउंट इनको मिलेगी, और ये आज ही 20% ऑफ प्रॉफिट इज गिविंग टू एनजीओस जो ऊपर पिक्चर देखे, बहुत बड़ी बात है सर। आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि नियत इनकी बहुत अच्छी है और भगवान ऐसे लोगों को हमारी इंडस्ट्री में लाइ लेके आए, नेक्स्ट अच्छी फिल्म बनाएं। और मेरी तरफ से ओपन आर्म से सर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, हम देखिए मीडिया भी आपके साथ है, मीडिया ने बहुत साथ दिया सर, तो बस ये मैं मुबारकबाद देता हूँ एंड मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड मैं सोचता हूँ कि ये सारा जो हम लोग बोल रहे हैं ये टीवी पे आना चाहिए, और नहीं आया तो समझते हैं ना नंदू हमका मंदू। हाँ जी, थैंक यू। और कुछ सर? थैंक यू सर। दिवाली की शुभ शुभकामनाएँ सबको और मेरे परिवार की तरफ से सबको। और दिवाली के मैं एक्चुअली कल सुबह न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, एक जगह मैं चीफ गेस्ट हूँ, लेकिन क्योंकि दिवाली 7 की है मैं गिरता पड़ता 7 की सुबह घर पहुँचूँगा और शाम को हम लोग पूजा पाठ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हर परिवार को सुखी रखे, हर परिवार के चेहरे पर मुस्कान रखे, हर परिवार के घर को मिठाइयों से भरे, उनके बच्चों को आगे बढ़ाए और सबके चेहरे में मुस्कराहट हो। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। और दिवाली में मुंह मीठा ज़रूर करना, ज़्यादा पटाखे धुएँ वाले मत चलाना, अच्छे पटाखे चलाना, और बच्चों क्यों पटाखों से कई बच्चों को भी काफ़ी चोटें पहुँचती हैं, लेकिन आजकल सब अच्छे सोच वाले हैं तो ऐसे पटाखे खरीदते भी नहीं हैं और धुआं पोल्यूशन से बचते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मेरे को भी याद आ गई, इस फिल्म के अंदर ये जो गाना है जो मेरे बेटे ने कैमियो किया है, इसके जो वर्डिंग है गाने के वो हम सबको, पूरे समाज को या कोई भी हर इंसान को मोटिवेट करते हैं। जैसे ओ रे परिंदे तू जीना मत भूल रे, कभी धूप कभी छाओ, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जो ऊंच नीच हमेशा होती रहती है, तो कभी आदमी को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमेशा हौसले के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो ये गाना सुखविंदर जी ने गाया था और शिवेंद्र दिया बेटे ने जो है इसको एक्ट किया था, तो बहुत अच्छा गाना है और इस गाने के अंदर यूँ मान लो कि इस फिल्म की पूरी स्टोरी है। हाँ, और ये पहली फिल्म इन्होंने सुखविंदर जी को हीरो लेके बनाई थी जी। और ये अभी दूसरी फिल्म भी इन्होंने हिम्मत करके थोड़ा सा ऑफबीट सब्जेक्ट बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है सर। आप
अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम बंबई वाले, हम इंडस्ट्री वाले हमेशा आपके साथ हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये मैंने अभी देखा भी है, महसूस भी किया है, और खासकर मैं तो अपने बड़े भाई भीष्म पितामह शक्ति जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर टाइम मेरे साथ खड़े रहे हैं, हर टाइम मेरे को मदद की है। मतलब मैं बहुत बड़ा एहसान मंद हूँ, इनका एहसान मैं उतारा। नहीं 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 सर, हम क्या लाइक हैं सर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हमारी तो सिर्फ यही है कि आपके जैसे न्यू कमर आए, न्यू प्रोड्यूसर आए, जितना हम छोटे लोग आपके लिए कर सकते हैं अवश्य करेंगे सर। नहीं देखो, पिक्चरों के अंदर शक्ति जी की जो इमेज है वो रोल के अनुसार जो करेक्टर होता है देखो करते हैं, लेकिन आज मैं पर्सनली पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूँ और पूरा हिंदुस्तान साजदा देख भी रहा होगा, शक्ति कपूर जी से अच्छे दिल के इंसान मैंने इस इंडस्ट्री में नहीं देखे हैं। थैंक यू। ये लोगों को मतलब मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में मेरे लिए भगवान के। अरे नहीं नहीं सर, हम तो मैं इससे बड़ी बात और क्या बोल सकता हूँ। सुन रही हो धर्म पत्नी, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, जनता क्या सोचती है, थोड़ा अच्छा सोचो मेरी जान। बेसिकली अच्छा आदमी हो। नहीं जी नहीं, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू। स्वाति रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट 9 वर्ल्ड।